सेवी। अकरम साहब एक बात फिर से। मामा कब जान छुटेगी हमारी इनसे? फौजिया। अकरम आप अपने कमरे में जाएं, मेरा हाथ छोड़ें आप। मैं अब तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अकरम साहब तुम्हारा मेरी मामा से पहले कोई रिश्ता होगा मगर अब वो मेरे पापा की बेवा है। अरे बेटा मेरी निकल जाइए अभी इसी वक्त इस कमरे से और कल सुबह घर से भी दफा हो जाइएगा। तुम दोनों यहां से चली जाओ, मेरा लॉन में बैठने का मूड हो रहा है। तो बैठ जाओ, किसी ने मना किया है क्या? एक्सक्यूज मी, इधर किसी को हक नहीं पहुंचता कि मुझे मना करे। तुम यहां से जाओ तो फिर मैं इसे भी यहां से भगाती हूं। नहीं जाऊंगी। और अगर तुम्हारा इतना ही मूड है ना यहाँ अकेले बैठने का तो तुम अंदर चले जाओ और जब मैं अंदर चले जाऊंगी तो फिर तुम आ जाना। क्या कहा तुमने? मैं वापस चली जाऊं? नो वे संदल, ना मैं इस लॉन से जाऊंगी ना ही इस घर से जाऊंगी। तुम जाओगी इस लॉन से और इस घर से। एक मिनट, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही? ये बात तो तय है ना संदल कि हम तीनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते। कम से कम मैं तो नहीं रह सकती क्योंकि मैं ये रोज रोज की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो फिर तुम चली जाओ, मैं आज ही मामा से बात कर लेती हूँ कि सेवी को कोई पास में बंगला खरीद दें। तुम अपनी माँ के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाओ। सेवी आता जाता रहेगा, तुमसे मिल लेगा। ओह ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं भी मामा को यही मशवरा देती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बारे में। तुम लोग चले जाओ, जब मामा का दिल चाहेगा वहां आके तुमसे मिल लिया करेंगे। बकवास बंद करो अपनी, ऐसा ना हो कि अगले पिछले सारे बदले मैं तुमसे आज ही बराबर कर दूं। तुम दोनों आज आंटी से बात करो या ना करो लेकिन मैं आज आंटी से बात करके रहूंगी। ये तो चली गई, तुम यहां से दफा होने का क्या लोगी? हुमायूं की जिंदगी में तो शायद मैं ऐसे ही चाहती थी, मैंने तो उन्हें सजा ही दूर रहने की दी थी। फिर अब क्या हुआ कि हुमायूं के बाद अब मुझे अकरम भी बुरे लगने लगे? हुमायूं आप जिंदा हैं? मुझे अगर मालूम होता कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी हो जाओगे तो मैं कब का मर जाता। हुमायूं आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। सिर्फ देर नहीं, बहुत देर लगा दी, अब कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी भर मैंने तुमसे यही मुतालबा तड़प तड़प के किया और आज तुमने अकरम का हाथ पकड़ लिया। हुमायूं आप जिंदा हैं ना? काश ये हकीकत, आप मुझे छुए, आप मेरा हाथ पकड़े। हुमायूं हेलो, क्या आप मुझसे मिलना चाह रहे थे? जी मैम। बोलें। जैसा कि रात आपको मैंने फ़ोन पर बताया था कि आपकी बहू मुनीजा साहिबा को मैंने ही रॉन्ग कॉल्स करना शुरू की थी। प्लान ये था और वो मुझे डांटेंगी अगर कुछ कॉल्स करने के बाद वो दोस्ती करने पर राज़ी नहीं होती तो मैं इनसे कहूँगा कि सुंदस के बारे में कुछ बताना है। मगर ये सब तुम क्यों करना चाह रहे हो? आखिर क्यों तुम मुझे ये सब कुछ बता रहे हो? तुम्हारा ज़मीर कैसे जाग गया? जागा नहीं मैम, जगाया गया है। एक आदमी ने मुझे किसी के बसे बसाए घर को ख़राब करने पर शर्मिंदा भी किया और दुगने पैसे दिए
कि आपको पूरा मंसूबा एज इट इज बता दूं। कौन था वो आदमी? मुझे हुलिया हुलिया याद नहीं, आम सा आदमी था। अब तो बता दो, किसने बनाया ये बेहुदा मंसूबा? आपके घर में दो लड़कियां हैं, अदा और सुंदस। सुंदस? अगर ये बोतल में अपने बजाय सैवी को मारूं तो? ये काम बहुत रिस्की है। अगर मेरा निशाना छूट गया ना और सैवी मरने के बजाय सिर्फ जख्मी हुआ तो मेरे इस घर में रहने की पोजीशन वो मुझे धक्के देके निकाल देगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं कैसे सैवी को मार सकती हूँ? अगर पकड़ी गई तो सुंदस का नाम लगा दूंगी। उफ, क्या करूं मैं? नहीं, लेकिन मुझे इस जायदाद के लिए, इस दौलत के लिए सैवी को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि सैवी ही एक कांटा है, उसको मुझे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अदा, हिम्मत पकड़ो और तुम्हें ये काम करना है। अदा, मुझे उसको खत्म करना होगा। उसके सर पे ये बोतल इतनी जोर से मारूंगी कि वो मर जाए और ये सारी दौलत और जायदाद मुझे मिले। तो हम एक काम करते हैं, हम एक मीटिंग कॉल कर लेते हैं उसके लिए। तो आप लोगों के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही ठीक है। मैं मंडे मॉर्निंग पर मीटिंग कॉल करता हूँ अच्छे से, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके अदा, चलो क्या करी है तुम्हें? हाँ, तुम्हें दौलत की हवस ने पागल कर दी। इतने आप पागल कि तुम अपने हाथ मेरे खून से रंगने लगी? नहीं 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 सैवी, कसम ले लो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया सैवी, मैं बहक गई थी। मैं उस बहकावे में आ गई थी सैवी, मैं बहकावे में। किसके बहकावे में आ गई थी तुम? हाँ, मुझे बताओ था किसके बहकावे में आ गई थी? कौन चाहता है कि तुम्हारे हाथों मेरा कत्ल हो जाए? कुछ पूछना, बताओ मुझे। अगर तुमने एक मिनट में मुझे नहीं बताया ना, इस वक्त पुलिस को कॉल करूंगा। और तुम्हें एक दामे कत्ल की जर्म में जेल में सड़ाऊं, सारी जिंदगी जेल भुगतोगी, बता रहा हूं तुम्हें। मुझे शख्स का नाम बताओ। तुम खुदा का वास्ता, तुम किसी पुलिस को कॉल नहीं करोगे। मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मैं पूछ रहा होता, सीधे तरीके से मुझे इंसान का नाम बताओ। सुंदस ने बोला था मुझे ऐसे करने को कि तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। सुंदस, सैवी मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे माफ कर, मैं किसी पुलिस को नहीं बोला। सैवी तुम तो जानते हो, सैवी मुझे माफ कर दो। अदा जाओ यहाँ से, अदा जाओ यहाँ से। लेकिन तुम अदा जाओ यहाँ से। सुंदस, किस कदर तेज हो तुम दोनों बाप बेटी, अपना मकसद निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। सैवी, सुंदस, आइंदा ख्याल रखना, वरना तुम मेरे सिर्फ सुंदस रहोगी, शाजिया नहीं बन सकोगी। जिस प्यार को मैं सालों तड़पी वो सैवी को मिल रहा है। सैवी का क्या है, सैवी तो चंद दिनों में
Yes, come in. Oh, तो तुम हो, बैठो। सुंदर सर, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूं। यकीनन मुनीजा ने कोई शिकायत की होगी तुम्हें। इसका मतलब है कि तुम मुनीजा से भी अड़ चुकी हो और उस पर की होगी टॉन्टिंग? क्या हुआ, मुनीजा ही चिड़ निकालती है। लेकिन अगर तुम मुनीजा के बारे में मुझसे बात नहीं करने आए हो तो फिर क्या बात करने आए हो? सुंदर, मुझे एक बात बता, जब से मुझे इस बात का पता चला है कि तुम मेरी बहन हो, क्या मेरा रवैया तुमसे बदल नहीं गया? क्या मैंने तुमसे डाउन टू अर्थ होने की कोशिश नहीं की? या फिर अपनी पिछली की हुई गलतियों की तलाफी करने के लिए कई बार कोशिश नहीं कर डाली? हुआ क्या है? प्रोपेगेंडा किया है तुमने मेरे खिलाफ, और वो भी उस बेवकूफ लड़की अदा के साथ मिलकर। यानी एक तीर से दो शिकार। पहली बात की ये बात कोर्ट में मेरे खिलाफ जाएगी। डैम, क्या कहा है अदा ने तुमसे? जिस अंदाज से अदा बोतल सर पे मार रही थी ना, मैं समझ गया था कि इस बात में कोई ड्रामा है। और जब मैंने नरमी से उससे बात की है ना, तो उसने सब कुछ उगल दिया है, वो सब कुछ जो तुमने उसे सिखाया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे भी तुम्हें तो बहाने चाहिए होते मुझ पर बहतान लगाने के। किस कदर तेज हो तुम दोनों बाप बेटी, अपना मकसद निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। सेवी, मुझे बुरा कहने से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो मेरे बाप को बुरा भला कह रहे हो? लेकिन माइंड इट, मेरे बाप के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं कहूं भाई, तुम्हारे बारे में बात करते हुए तो शायद मैं एक बार लिहाज कर लूं, मगर तुम्हारे बाप के बारे में ये कहते हुए मुझे बिल्कुल झिझक नहीं होती कि वो एक इंतहाई साजिशी, लालची, खुदगर्ज और झूठा आदमी है। सेवी, अपनी जबान को लगान दो। तुम्हें यहां पे वार्न करने के लिए आया था, मगर तुम्हारे बाप को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा, समझी तुम? सेवी, सुंदर, हाउ डेयर यू, आइंदा ख्याल रखना, वरना तुम मेरे लिए सिर्फ सुंदर रहोगी, शाजिया नहीं बन सकोगी। हम आप नहीं जानती इसने क्या कहा है। इससे बात करने आई थी सेवी, लेकिन फिलहाल तो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। आओ। आखिर ऐसा क्या किया तुमने जो सुंदर ने तुम पर इस तरह हाथ उठाया? मैंने अकरम साहब को छोटा और मकार कहा था। यही नहीं, मैंने सुंदर को वार्न भी किया था कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। यू नो व्हाट, सुंदर ने कल लॉन से संदल और मनीषा दोनों को भगा दिया था। तुम्हें पता है सेवी, मनीषा के पास जिस लड़के की कॉल आ रही थी उसको हम सबका नंबर भी सुंदर ने दिया था। व्हाट, मगर क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल में मुनीजा के खिलाफ शक पैदा हो और तुम्हारा दिल मैला हो जाए उसके लिए। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि सुंदर आपकी बेटी। मामा, उस बेवकूफ को देखो, सुंदर और अकरम के लिए मैंने प्यार करने वाले शौहर से हमेशा नफरत की। ये पछतावा मेरे दिल को नोच देगा। तुम्हारा बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, वो मार, वो जुल्म, वो सारी बातें उनका एहतजाज था ताकि मेरा रवैया ठीक हो सके। क्यों किया मामा आपने? आप खुद भी सारी जिंदगी अपने शौहर से दूर रही और मैं उनका इकलौता बेटा, खुद भी अपने बाप से हमेशा दूर। बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, बहुत बड़ी गलती कर दी आप। I'm sorry बेटा, मैं भूल गई थी कि सुंदर को तो सिर्फ मैंने पैदा किया,
उसकी परवरिश तो अकरम ने की है। मैं भूल गई थी कि एक बच्चे को माँ के कोख से ज्यादा पालने वाले का असर होता है। ओहो, ए बेटा बेटा, अच्छा रोना तो बंद करो। पहले गलतियां करती हो उसके बाद रोती हो। मैं पूछता हूं तुम्हें जरूरत क्या थी छेड़खानी करने की सेवी से? थोड़े दिनों की बात है, हमारा मंसूबा कामयाब हो जाता बस। अब देखिएगा बाबा, वो मामा को दो की चार लगाकर बता देगा। अरे कितने दिनों की बात है, कितने दिनों की बात है, सिर्फ दो और तीन दिन चाहिए मुझे, मैं अपने मंसूबों पर गौर कर लूं। सेवी का काम तो तमाम हो ही जाएगा। असल मसला यह है कि तुम्हारी माँ भी मेरे खिलाफ होती जा रही है, उसे काबू करना बहुत जरूरी है। मुझे तो मामा से भी सख्त नफरत होने लगी है। बेशक मैं उस दिन उनके गले लगी और उनको माँ कहा, लेकिन मैं आज तक ये बात नहीं भूली कि वो दौलत की खातिर एक दूध पीती हुई बच्ची को ऐसे छोड़कर गई थी। अरे भाई खाक डालो उन बातों पर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए कोई गलती मत करना और सेवी के साथ अपना रवैया नरम रखो। हरगिज नहीं, जिस प्यार को मैं सालों तड़पी वो सेवी को मिल रहा है। अभी भी मामा मुझसे ज्यादा उसे फोकियत देती हैं। सेवी की तो, अरे दफा करो सेवी को, बेशुमार दौलत पर नजर रखो जो हमारे पास आ रही है, और तुम्हारी जरा सी गलती की वजह से वो हमारे पास आते आते वापस छिन जाएगी। सेवी का क्या है, सेवी तो चंद दिनों में